हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल प्रोफेसर विशाल की पाठशाला अकाउंटेंसी एक्सपर्ट। आज जो हम सीखने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर बार इम्पोर्टेंट ही होता है हम जो सीखते रहते हैं वो, पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो सीखा था वो क्या था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी जब हम सीखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब ये रूल्स है डेबिट और क्रेडिट का, ये इसको हमें यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका मिनिमम टू इफेक्ट होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले लो उसका मिनिमम टू इफेक्ट होगा, वो किसी भी दो आइटम को इफेक्ट करेंगे। तो आपको उन लोगों को सबसे पहले पहचानना है कि वो आइटम क्या है। यानी कि अगर हम रियल अकाउंट के रूल के रिगार्डिंग कुछ बात करें तो रियल अकाउंट का जो रूल था वो क्या था, डेबिट गुड्स एंड असेट्स कम्स इन आवर बिजनेस, क्रेडिट गुड्स और असेट्स गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस। जो भी गुड्स और असेट्स अपने बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा, और जो भी गुड्स और असेट्स अपने बिजनेस में से चला जाएगा वो क्रेडिट होगा। फिर से याद करें, गुड्स और असेट्स अपने बिजनेस में आएंगे उसको डेबिट करेंगे, गुड्स और असेट्स अपने बिजनेस में से चले जाएंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट एक्सपेंसेस एंड बिजनेस लॉसेस एंड क्रेडिट बिजनेस इनकम एंड बिजनेस गेन। कि बिजनेस एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट करेंगे, बिजनेस लॉस होगी उसको हम डेबिट करेंगे, बिजनेस इनकम होगी उसको क्रेडिट करेंगे, और बिजनेस का कोई गेन होगा उसको भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो थर्ड रूल था वो रूल था पर्सनल अकाउंट का। रूल क्या था, डेबिट बेनिफिट रिसीवर क्रेडिट बेनिफिट गिवर। बेनिफिट जो रिसीव कर रहा है अपने बिजनेस का उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो अपने बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप पूरी तरह से अकाउंटेंसी पढ़ना चाहते हैं तो हर बार नोट्स बनाइए, मेरे साथ प्रिपरेशन करिए। हर दो दिन के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूं, तो मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिए। और जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं अकाउंटेंसी के लिए, तो वो भी मेरे वीडियो को रेगुलर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आप लोगों को रोजगारी भी मिल सकती है। क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं कि अकाउंटेंसी जो प्रोफेसर है, अकाउंटेंसी के जो टीचर्स है उसकी इनकम ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू अदर टीचर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी टीचर अकाउंटेंसी टीचर से ज्यादा नहीं कमा सकता, ऐसी बात नहीं, पर जनरली आप लोग अच्छा कमा सकते हैं अगर अकाउंटेंसी सीख रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोप है आगे भी कि आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ के किसी को अच्छी अकाउंटेंसी पढ़ा सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें स्किल एजुकेशन सिस्टम बनाना है, और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि इंडिया के सभी लोगों को मैं स्किल वाला बनाना चाहता हूँ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि रेगुलर मेरे लेक्चर देखिए, इससे मेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा बट आपका डेवलपमेंट होगा उसमें, ठीक है। और तो अगर आप कुछ कमाने लगे तो थोड़ी सी दुआ हमें भी लग जाएगी। तो बहुत अच्छा पढ़िए और बहुत अच्छा इंडिया को क्रिएशन कीजिए, इंडिया का क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए इंडिया में, ठीक है। बहुत सारा भी कॉमर्स आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे भी ट्रेड आ रहा है, तो आप अपना भी आइडिया लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी अकाउंटेंसी आप खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए और अर्निंग कर लीजिए, ये आसान तरीका है मैं अगर सोचता हूँ तो। शुरू करते हैं हम, अभी मैं जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो जर्नल एंट्री का टॉपिक है, वो है जर्नल एंट्रीज। पर मैं आपको पहले ये सिखाने वाला हूं कि भाई ड्यूल इफेक्ट्स क्या होता है। ड्यूल इफेक्ट, ड्यूल इफेक्ट, दो इफेक्ट। दो इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका मिनिमम दो इफेक्ट होगा। दो इफेक्ट होने के साथ साथ ये दो अकाउंट क्रिएट करेंगे, और दो अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो भी बच्चे मेरे पास टेली पढ़ रहे हैं और जो भी टेली भविष्य में पढ़ना चाहते हैं वो लोग ये वीडियो को हर रोज फॉलो करें, क्योंकि इनसे उसके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्यूल इफेक्ट, ड्यूल इफेक्ट का मतलब होता है मिनिमम टू इफेक्ट्स, मिनिमम टू इफेक्ट्स होगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़े से ट्रांजेक्शन एक दो ट्रांजेक्शन गुड्स रिगार्डिंग लिख रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट के रिगार्डिंग लिख रहा हूँ, पर्सनल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग लिख रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाल
साइड में जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अगर अगर आपको ये पूरी वीडियो ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा तो वीडियो की शुरुआत में ही तीन डॉट्स कॉलम में खड़े होंगे, तीन डॉट्स उसको दबाए हैं और वीडियो की जो क्वालिटी है 11144 होगी आई थिंक, उसको बढ़ा दीजिए 360-380 कर दीजिए और वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं बन रहा, आप लोगों के लिए बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम टू इफेक्ट्स देख रहे हैं, टू इफेक्ट्स मिनिमम होने वाला है। तो पहला जो हम देखते हैं, मैं थोड़े से ट्रांजेक्शन लिखता हूं रियल अकाउंट के, डील अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट गुड्स एंड असेट्स कम्स इन आवर बिजनेस, क्रेडिट गुड्स और हाउस कम्स गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस। यहां हमें आइडेंटिफाई करना है गुड्स है या असेट्स है, ठीक है, गुड्स है या असेट्स है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। मैंने बताया था आपको गुड्स कैसा होगा, गुड्स का मतलब क्या है कि जो ट्रेडर है जो चीज परचेज कर रहा है क्योंकि उसको उसको सेल करना है तो वो हो जाएगा गुड्स। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया हुआ था, अगर कोई इलेक्ट्रिक वाला है वो फैन खरीद रहा है क्योंकि उसको फैन बेचना है तो उसके लिए फैन क्या हो जाएगा गुड्स, और हमारे लिए अगर मैं फैन परचेज कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा वो असेट्स, ठीक है। तो अभी रियल अकाउंट का रूल, डेबिट बिजनेस गुड्स और असेट्स कम्स इन आवर बिजनेस, क्रेडिट बिजनेस गुड्स और असेट्स गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस। अपने बिजनेस में गुड्स और असेट्स आएगा तो डेबिट, अपने बिजनेस में से गुड्स और असेट्स चला जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर यूज गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 1 lakh on cash, goods purchase worth rupees 1 lakh on cash। चलो अभी हमें देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। चलो मैंने आपको बताया था जब भी आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो आपको क्या सोचना है कि ये जर्नल एंट्री आप किसमें कर रहे हो, अपने बिजनेस के अकाउंट में, अपने बिजनेस में कर रहे हो। तो अभी आपको ये सोचना है, पहले देखिए क्या लिखा मैंने, गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 1 lakh ऑन कैश, चाहिए आप गुड परचेज कर रहे हैं 1 lakh रुपए का कैश में, यानी कि क्या हो जाएगा उसका पिक्चर बनाएंगे तो कि भाई हमने गुड्स परचेज किया है यानी कि हमारे बिजनेस में गुड्स आया और हमने उसको 1 lakh रुपए दिए, समझिए क्या हुआ, गुड्स को परचेज किया हमारे बिजनेस में आया हमने उसको 1 lakh रुपए दे दिए। तो यहाँ जो दो अकाउंट है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट अकाउंट कौन सा है, हमने गुड्स को क्या किया है गाइस, परचेज किया है, दूसरा हमने क्या किया उसको कैश दिए, हमारे बिजनेस में से कैश चला गया। तो जो दूसरा अकाउंट होगा वो क्या होगा, कैश अकाउंट, यहां हो जाएगा परचेज अकाउंट, एक परचेज अकाउंट दूसरा कैश अकाउंट। चलो आपको ये पता चला कि टू इफेक्ट्स में सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि कौन सा अकाउंट क्रिएट होने वाला है। मैंने कहीं बच्चों को पढ़ाया तो वो लोग क्या करता था, कोई अकाउंट होता भी नहीं उसका क्रिएट कर देते थे, सपोज वर्थ रुपीज का अकाउंट बना डालते हैं कि भाई वर्थ रुपीज अकाउंट डेबिट, कैसे भाई, सोचो सिर्फ इमेजिन करना है कि हमने 1 lakh रुपए का गुड्स परचेस किया है तो हमने क्या किया होगा, गुड्स को परचेस किया होगा और 1 lakh रुपए उसको दे दिए होंगे। तो दो इफेक्ट हो रही है, एक तो गुड्स अपने बिजनेस में आ रहा है और दूसरा हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है। और ये जो डेबिट क्रेडिट का रूल है ना दोस्तों, उसको एमेंडेड किया है सन 1494 में ल्यूका पेसियोली ने, जो इटली के बहुत बड़े फादर थे, वहां एक चर्च था वहां के वो फादर थे, उन्हें ये ड्यूल इफेक्ट्स का जो डेबिट क्रेडिट रूल है उसने वो फाउंडर है उसने फाइंड किया। एक्चुअली ये तो हमारे इंडिया से चला रहा है अकाउंटेंसी, पूरे हमारे बहुत हिस्टोरिकल इंडिया ना वहां से चला रहा है, बट उसको एमेंडेड किया है ल्यूका पेसियोली जी ने इटली के, ठीक है। तो गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 1 lakh ऑन कैश क्या होगा, गुड्स परचेज किया है अपने बिजनेस में आएगा, अपने बिजनेस में अगर गुड्स आता है तो हम उसको क्या कर देंगे डेबिट, कैसे कैश है वो अपने बिजनेस में से चली जा रही है क्योंकि कैश हमारी असेट है, आपके पास कैश है तो आपकी क्या है असेट्स है, तो असेट्स जा रही है तो उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट। एंट्री बनाना है तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट 1 lakh टू कैश अकाउंट क्रेडिट
1 lakh. So my dear friends, pehla generator, write down in your book with myself. Theek hai? Okay? I think you all have written down in your notebook. So may I rub this? दूसरा एग्जाम्पल रियल अकाउंट का ही दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आई एम पेंटिंग यू. पहला आएगा फर्नीचर परचेस, वर्थ रुपीज 80,000 ऑन कैश. फर्नीचर आप लोगों ने परचेस किया है 80,000 रुपीस का ऑन कैश, यानी कि आपने क्या दे दिया उसको, कैश दे दिया. फिर से इमेजिन करिए गाइस, कम ऑन गाइस, क्या हो जाएगा, फर्नीचर परचेस किया है तो क्या होगा, फर्नीचर बिजनेस में आएगा और आपने क्या दिया है उसको, कैश, तो कैश अपने बिजनेस में से जाएगा, फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा. तो यहां अगर मैं दो अकाउंट के रिगार्डिंग बात करूं तो पहला अकाउंट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अपने बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर. तो पहला जो अकाउंट क्रिएट करेंगे वो फर्नीचर है. दूसरा अपने बिजनेस में से क्या चला गया, कैश चला गया. तो दूसरा अकाउंट किसका बनाएंगे, कैश अकाउंट का. तो फर्नीचर हमने परचेस किया है, देखिए ये फर्नीचर मेरा असेट्स है, मैं फर्नीचर का ट्रेडर नहीं हूं, मैं फर्नीचर को बेच नहीं रहा हूं, ये मेरा असेट्स है. तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, असेट्स आ रहा है. जब भी असेट्स अपने बिजनेस में आएगा तो उसको परचेज नहीं बोलेंगे, उसको उसी के नाम से लिखेंगे. ठीक है, तो फर्नीचर अपने बिजनेस में आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट. हमने उसको कैश दिया, अपने बिजनेस में से चला जाएगा, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारी असेट है, फर्नीचर भी असेट है. फर्नीचर आया डेबिट, फर्नीचर अगर आया है तो डेबिट करेंगे, कैश अपने बिजनेस में से चला गया उसको क्रेडिट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, तो एंट्री क्या लगाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 80,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 80,000 लिखा माय डियर फ्रेंड्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड. आफ्टर द completion of this session of the real account rule, now we are going to start a new session, that is second rule, nominal account. What is the rule of nominal account my dear friends? Yes, you can debit business expenses and losses, credit business income and gain. Come on my dear friends, debit business expenses and losses, credit business income and gain, debit business expenses and losses, credit business income and gain. ठीक है, तो business का जो expense है उसको debit कर देना है my dear friends, business का जो loss है उसको भी debit करना है my dear friends, business की income है उसको credit करेंगे और business का जो gain है ना उसको भी क्या करेंगे, credit करेंगे. Simple, business का expense आप बोलेंगे बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का लॉस, बिजनेस की इनकम और बिजनेस का गेन. समझ में आया, चलो रूल तो लिख लिया, थोड़े उसके एग्जांपल भी कर लिए जाएगा. ओके, चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सैलरी पेड रुपीस 10,000 टू अकाउंटेंट राम. सैलरी पेड रुपीज 10,000 टू अकाउंटेंट राम. राम को हमने 10,000 सैलरी पे किया. अभी देखिए मैं गाइस आप सब लोगों को बता रहा हूं कि जो ये रूल है, तीनों के तीनों रूल वो हर जगह अप्लाई होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि रियल अकाउंट का रूल है वो नॉमिनल में अप्लाई नहीं होगा, नॉमिनल का जो रूल है वो पर्सनल में अप्लाई नहीं होगा. नहीं, ये तीनों के तीनों रूल साथ में ही अप्लाई होते हैं, जहां भी होते वो यहां साथ में ही होते हैं. आप लोगों को सोचना है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ी अपनी जो बुद्धि की क्षमता है उसको बढ़ाना है, थोड़ी कैपेसिटी से ज्यादा उठना उसको,
और क्या करना है हमें सर आपको इमेजिनेशन करना है सभी चीज का इमेजिनेशन करना है माय डियर फ्रेंड्स ठीक है तो सैलरी पेड रुपीस 10,000 टू अकाउंटेंट राम अभी यहां आपने क्या किया सपोज कीजिए आपका खुद का बिजनेस है और आप सैलरी पे कर रहे हैं आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी आपका क्या हो गया यहां एक्सपेंस हो गया सैलरी आपका एक्सपेंस है इसलिए आपने पे किया उसको ठीक है तो सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा और आपने क्या पे किया उसको कैश कैश पे किया यानी कि क्या हो जाएगा कैश गोस आउट तो दो अकाउंट का इफेक्ट क्या हो रही है पहला सैलरी दूसरा पे किया यहां वर्ड नहीं दिया है कि कैश में पे किया है बट हमको सोचना है ना कि पे किया यानी कि दे दिया उसको पैसा पे किया ना दे दिया उसको पैसा तो यहां दो इफेक्ट आ रहे हैं दो अकाउंट की इफेक्ट आ रही है माय डियर फ्रेंड्स रट्टा नहीं मारना अभी मैं आपको बता रहा हूं रट्टा नहीं मारना है सोचना है जो बहुत सोचेगा जो बढ़िया सोचेगा वो देश का बढ़िया अकाउंटेंट बनेगा गाइस वो देश का बढ़िया सीए बनेगा गाइस वो देश का बढ़िया सीएस बनेगा गाइस वो देश का सबसे बड़ा लॉयर बनेगा जो बढ़िया सोच रहा है तो आपको बढ़िया सोचना है ठीक है